पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की पल पल की बदलती राजनीति हालातों के बीच एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। दरअसल बिहार में किसी भी वक्त नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है और इसकी तैयारी भी राजभवन में की जा रही है। नीतीश को लेकर के काफी गहमा गहमी तेज है। नीतीश किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, इस्तीफा दे देंगे और बिहार में एक बार फिर से NDA का गठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। देखिए, इन तमाम चर्चाओं के बीच में लालू प्रसाद यादव भी पीछे नहीं है। लालू प्रसाद यादव भी बहुमत साबित करने के में लगे हुए हैं। बहुमत साबित करने के जुगत में लालू प्रसाद यादव ने तमाम लोगों से, विधायकों से मीटिंग करना शुरू कर दिया है और इधर जीतन राम मांझी को ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर के चर्चाएं चल रही थी कि जीतन राम मांझी को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तो लालू प्रसाद यादव ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर तो दे दिया, लेकिन जीतन राम मांझी ने ऑफर को ठुकरा दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी के मन में कहीं ना कहीं अभी भी लालू प्रसाद यादव के प्रति जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो चल रही हैं, क्योंकि अचानक से उनके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमाम जो विधायक हैं, उनके 4 से 5 विधायकों को अपने पाले में करने के लिए जुगत में लग चुकी है, क्योंकि सम्राट चौधरी BJP के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भेजा गया है जीतन राम मांझी के आवास पर। और जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर सम्राट चौधरी ने तमाम जो उनके विधायक है, 4 विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। यानी कि जीतन राम मांझी के विधायकों को उनके आवास पर बुलाकर उनसे मंत्रणा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कोई भी मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर इस वक्त मांगेंगे तो उनके लिए ऑफर खुला है, क्योंकि वही ये 4 विधायक हैं जो बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं राजद के लिए। तो उन विधायकों को नहीं जाने के लिए सम्राट चौधरी ने अपना जो तीर है वो निकाला है रोकने के लिए। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी की ये तस्वीर देखिए, मांझी के आवास पर पहुंचे हैं, 4 विधायकों को फोन गया है और 4 विधायक भागे भागे जीतन राम मांझी के आवास पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त हम आपको भारत लाइव के माध्यम से दे रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे हैं जीतन राम मांझी से। बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के विधायकों को हाईजैक करने की कोशिश RJD भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे निकल गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन 4 विधायकों को सम्राट चौधरी के हवाले करने की पूरी कोशिश की है। और देखिए, सम्राट चौधरी अब से लगातार जीतन राम मांझी के आवास पर ही बैठे रहेंगे। सभी विधायकों को बुलाकर बड़ी चर्चा वहां पर की जा रही है। इसके पहले जीतन राम मांझी ने अपने सभी विधायकों को बुलाया था मंत्रणा करने के लिए। एक बार फिर से जब सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर भी जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ मंत्रणा करेंगे। देखिए, 4 विधायक हैं और इसके लिए लालू प्रसाद यादव जीतन राम मांझी से बार बार फोन पर बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाइए, मनचाहा मंत्रालय भी मिल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है और मंत्रालय देने को लेकर चर्चाएं तेज कर दी है। और इस वक्त सम्राट चौधरी उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और वहां से काफी गहमा गहमी तेज हो चुकी है। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से वहाँ पर चर्चाएं की हैं जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर, ऐसे में ये लग रहा है कि पूरी तरीके से हाईजैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाओं का बाजार लगातार भारत लाइव पर गर्म है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।